दोस्तों पानी हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। बिना पानी के एक इंसान 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन इसी साधारण से दिखने वाले पानी के बारे में एक गजब की बात शायद आपको पता नहीं होगी कि पानी एक जीवित वस्तु है और पानी रिएक्ट कर सकता है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट जो पानी पे किया गया था। दरअसल जापान के एक मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर मासारू इमोतो ने पानी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने पानी को अपने सामने रख कर प्यार, शांति, धैर्य, इस तरह की अच्छी बातें सुनाई और उस पानी को क्रिस्टलाइज करके उसे माइक्रोस्कोप से देखा तो पानी के क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव और फूल जैसे नजर आ रहे थे। वहीं जब पानी को बुराई, झगड़ा, जेलसी जैसी बुरी बातें सुनाई गई तो उस पानी के क्रिस्टल्स माइक्रोस्कोप में बड़े अजीब और कांटेदार जैसे दिख रहे थे। डॉक्टर इमोतो ने ये एक्सपेरिमेंट पूरे 3 बार करके देखा और तीनों बार रिजल्ट बिल्कुल सेम था और इसी को नाम दिया गया इमोतो थ्योरी का। आपको क्या लगता है कि पानी सच में हमें महसूस कर सकता है? अपनी राय कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए।